दिमाग को क्या देता था, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मुझे नहीं पता था बड़ा आदमी क्या होता है। स्कूटर लेकर के मैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की तरफ चला गया, बिना बताए स्कूटर रोक दिया, चल पड़ा कि ट्रेन आएगी, कूद जाऊंगा। सच बहुत संघर्ष का दौर था। माँ हंस के देती सर कुछ करके, हाँ बेटा तू जरूर बने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने, उससे पहले तो मैं उनका सेवा कर ही रही थी, एक पिता के नाते बेटे की तरह था, बेटे की तरह पारिवारिक था। वो मुझे बार बार कहते रहे कि मतलब ये ज्वाइन कर ले कांग्रेस। अभय सिंह जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मुझे हमेशा छोटे भाई जितना मान सम्मान देते हैं, वो सुनाते मेरी दोनों के साथ बहुत अच्छी पिता तुल्य थे मेरे दोनों, चाहे वो कप्तान सिंह सोलंकी जी हों और चाहे मनोहर जी। कप्तान जी के साथ तो आप अक्सर बहुत उन्होंने मुझे इनकरेज किया। तो कुल मिला के कृष्ण ढुल साहब, हम ये कह सकते हैं कि चौधरी उदय सिंह का पूरा उनका जो सामाजिक ताने बाने का वो था, जितना भी इफेक्ट था सारा का सारा आपके ऊपर आ गया, मतलब वो आपकी पर्सनैलिटी इंस्पायर है चौधरी उदय सिंह से, जो आज की भावना आपके अंदर आई है वो वहाँ से डेवलप हुई है। भाई मैं हमेशा आज भी अपने बच्चों को कहता हूँ कि मुझे जो संस्कार मिले वो मेरे दादाजी के कारण, जिनका मैंने जिंदगी में हमेशा ये सोचा कि वो कितने अच्छे इंसान हैं। फिर मेरी मदर अनपढ़ होते हुए भी मेरी माँ ने मुझे हमेशा सलाह देती थी कि बेटा, मैं माँ को क्या देता था, माँ मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मुझे नहीं पता था बड़ा आदमी क्या होता है। पर मैं जब रोटी खाता चूल्हा आगे बैठता और मैं कहता माँ मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, तो मेरी माँ हंस के कह देती सिर पुछ करके, हाँ बेटा तू जरूर बनेगा, जरूर। वो भी अनपढ़ थी, उसने भी नहीं मेरा बेचारी ने क्या कहे। और मेरे पिताजी गुस्सा हो जाते कई बार, बोले सुसरे तू कुछ नहीं करे, रोड़ी घेरे मजदूरी भी नहीं लाओ कोई। पिताजी का अलग स्वभाव था, वो हो सकता है मैं पढ़ाई में उतना तेज नहीं, मोटिवेट करने के भी उनके तरीके होते हैं, डांटने के भी तरीके हैं, मैं डांटने के तरीके भी होते थे, मैं समझ सकता हूँ। और हो सकता है क्योंकि मैं शिक्षा में बहुत ज्यादा अव्वल और उत्तीर्ण मतलब उस प्रकार का स्टूडेंट नहीं रहा हूं कि मेरिटोरियस हो, मेरिटोरियस नहीं रहा सामान्य बच्चों की, एवरेज बच्चे का काम करना पड़ता, एवरेज बच्चे रहे, ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल, हां खेलने का शौक था, पहलवानी का शौक था, तो ये चीजों के कारण खेल ग्राउंड पढ़ाई इनका कॉम्बिनेशन मैं नहीं बना पाया, शायद ये भी एक कमी रही होगी। लेकिन चलो जी, जो बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से किशन ढुल साहब, उसके बाद आप गांव से भगवतीपुर से रोहतक से चंडीगढ़ आ जाते हैं, तो चंडीगढ़ का जो स्ट्रगल है आज के टाइम, आज के वक्त भी मैं कह रहा हूँ, आपकी तो खैर 20 साल पुरानी बात होगी कम से कम, आज भी चंडीगढ़ में स्ट्रगल करके सेटल होना, घर लेना, ये किराए पर रहना चंडीगढ़ जैसे शहर में आम बात नहीं है, आपने और आपकी फैमिली ने कैसे सर्वाइव किया? मैं 2001 में हरियाणा टूरिज्म से नौकरी करता था, जाट कॉलेज में पढ़ने के बाद मैंने होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया टूरिज्म से ही, और फिर मेरे को टूरिज्म में नौकरी मिल गई, तिलियार पर मैना पर मैंने नौकरी करी, मैना में मैंने 99 में नौकरी छोड़ दी टूरिज्म की, और उसके बाद मैंने जिमखाना क्लब जो होता था अपना अंदर वाला, अंदर वाला पहले वाला पुराने वाला, उसकी कैटरिंग ली क्योंकि वो मुझे लाइन चेंज होगी, नौकरी छोड़ दी, कच्ची नौकरी थी वो पक्की नहीं थी, और उसके बाद फिर मैं 2001 में यहाँ आ गया और मैंने 30 वेज बिल्डिंग की कैंटीन ली, जो कि उस टाइम पे बड़ी अपने जाप में फेमस कैंटीन होती थी सेक्टर 17 चंडीगढ़ में, 30 वेज बिल्डिंग के वो बड़ी फेमस कैंटीन, बहुत रश भी रहता था, हाँ बहुत भीड़ होती थी वहाँ, मैंने आई फिर धीरे धीरे अब इस व्यापार में प्रवेश किया, बच्चों को यहाँ ले आया। हम आपको मिले आप तो पंचायत भवन में बैठते थे, हाँ वो फिर मैंने पंचायत भवन की कुछ स्टोरी बताओ, आप पंचायत भवन में कैसे पहुंचे? हरियाणा पंचायत भवन की कैंटीन निकली वो मैंने भर दी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग आपने मतलब मेरे कहने के मतलब यहाँ भी जैसे चोई उदय सिंह ने अपना घेर अपनी बैठक एक वो बना रखी थी पंचायत घर, कोई भी आराम करे, आपने पंचायत भवन भी आराम करे बना रखा था। एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे मैं यहाँ आ गया तो अपने गाँव से, आपको तो पता है खुद ग्रामीण परिवेश भूमि के हो, अब भाई गाँव में तो कोई भी लोग आओगे तो उनको रहने खाने पीने की जगह चाहिए, सही तो अपना घर सरकारी था मेरा छोटा था, रोज को इनको रिश्तेदार आ जाएं, बच्चे पढ़ने वाली स्टेज पर आ गए, तो मैं चाहता था मैं एक ऐसा भवन लूँ जड़ रहन खाने की व्यवस्था, तो वो कुदरती हरियाणा पंचायत भवन की कैंटीन निकलाई और मैंने उसको भर दिया, टेंडर में निकल गया, टेंडर में मैं निकल गया और वहाँ मेरे को कैंटीन मिल गई, तो अभी इतना बढ़िया मेरे दो रेठैया हो गया, अगर मेरे गांव में तो कोई भी लोग आए सब आपको पंचायत भवन मिलने आते हैं, और उसके हम भी उनमें से एक थे, आप भी, हाँ। उसके बाद मैंने अपने मैनेजर्स को भी कह दिया था जो उस टाइम पर मैनेजर थे, बेटा गांव का मानस आकर के न्यू कबा साधन है, अगर मैंने रोटी खानी है उसको रोटी खिला दो, न्यू का मैंने सोना है तो उसको डोरमेट्री में सुलवा दो, पैसे नहीं है मत लो, दे रहा है तो दे दे, नहीं दे रहा है तो मत लो, कोई ये कहता है मेरे दो पैसे नहीं है वो मत लेना, और धीरे धीरे वो इतना रहा
कि वो कैंटीन जो मैंने व्यापार के लिए ली थी वो मेरा एक सामाजिक केंद्र बन गया। लोग रोज 10-20 लोगों को आना, भोजन कराना, हुक्का धर दिया हमने पीछे, और वही लेटते थे, वो वही लेटते थे, उड़े लेट जाया करते, उड़े खा पी लिया करते, तड़के नाश्ता करके लिख जाते। अच्छा, चंडीगढ़ ग्रामीण परिवेशों के लिए ना पिछले अगर 20 साल में देखोगे तो परिवर्तन हुआ है, लेकिन अपने गांव वाला खतर आज भी चंडीगढ़ अजूब है, अजूबा है, मुश्किल है। उनको समझ नहीं आता, लोगों ने सेक्रेटरियट में जाना है, विधानसभा में जाना है, मंत्री ते मिलना है, एमएलए ते मिलना है, एमएलए हॉस्टल जाना है। उस पर्टिकुलर इलाका जो आपने तो देखा है, सुखना लेक वाला सेक्टर 1-2-3, वो VIP, वहाँ ऑटो मिलता नहीं, बस जाती नहीं, तो उनके लिए बड़ी दिक्कतें रहती थी। तो मैंने ये प्रयास किया, उड़े तो उनको भेजना हो, छोड़ना हो तो अपनी गाड़ी भेज दी जाओ, वही नेता और उड़े छोड़े हो, दादा ने लिया, उन्हें कह दिन तक आपने तो बिल्कुल कुछ आज अनछुए पहलू आज हम छुपा रहे हैं, आप इतने अच्छा शेयर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, प्लीज आगे आप प्रयास करें। मैंने न्यू सोच के गांव का माना साड़ा है कि तंग ना, अगर उसको कोई नहीं मिल रहा तो वो कृष्ण ढुल ने पूछ ले, आड़ आ जाओ, रोटी खाओ, दादा चाय पियो, ताऊ पानी पियो, लोटो ओका पियो, और तड़के अगर दिक्कत आओ तो मैं किसी ड्यूटी ला दियो, तुम लोग छोड़ जाओ, MLA कहे, मंत्री कहे, विधानसभा में, और जो इतना फिर धीरे धीरे भाई वहां रहते थे तो रसूख भी बन गया, कुछ काम एक आधा हम भी करवा दिया करते, छोटा मोटा किसी के अफसर नहीं, 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 जोड़ के काफी करवा देते, हमें भी जरूरत पड़ती थी। अच्छा, शादी का इस दौरान कब समय निकल पाया शादी के लिए? शादी तो मेरी रोहतक में रहते रहते जब मैं टूरिज्म में नौकरी करता था तभी होगी थी। बालोट गांव से मेरी पत्नी है चौधरी वीरेंद्र सिंह की, और ये जो शिला सिनेमा के बिल्कुल सामने एक बहुत पुरानी कोठी होती थी, गोल कोठी बोलिया करते आपा, विद्या भवन के नाम से, प्रीति सिंह जी, चौधरी प्रीति सिंह की पोती, वीरेंद्र सिंह की बेटी मेरे जो है वो शादी हुई बालोट का ज्ञानी राम का कुंड बाजू, DLF वाले बोलते हैं उनके इक्विवेलेंट ये परिवार है। इसमें हुए दो मेरे बच्चे हैं, आज मेरे दोनों बच्चों में से बड़ा बेटा जो है वो स्कूल ऑफ लॉ बेंगलोर से अभी फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहा है, और छोटा बेटा जो दिल्ली SRCC है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो हिंदुस्तान का अच्छा कॉलेज माना जाता है, उसमें से वो ग्रेजुएशन कर रहा है। तो ये साथ साथ UPSC की भी तैयारी कर रहा है, UPSC की भी तैयारी कर रहा है, और मेरी जो वाइफ है वो रसायन विज्ञान की प्राध्यापिका है और आजकल वाइस प्रिंसिपल है, यहीं पंचकूला में पोस्टेड है। तो इस नाते यहाँ आगे फिर आप जैसे भाइयों का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, ये सब परमात्मा ने दिया, अपने आप देता गया ऊपर वाला, देते गए यार आप, लेते गए हम, लेते गए। एक दौर आया मेरे पास 2003 का, वो दौर मैं आपको जरूर याद करूंगा कि 2001 में मैं यहाँ आया था, तो टूरिज्म की नौकरी, उसका जमा पूंजी, कुछ लोगों से उधार, मेरे मन में जो ये कैटरिंग का होटल रेस्टोरेंट ढाबा ये जो चीज़ें थी दिमाग में चलती थी, तो मुझे लगता था एक स्वीट शॉप फास्ट फूड रेस्टोरेंट बना दें तो वो शायद जीवन में बहुत अच्छा तरक्की करेगा, और यहाँ आए तो अनुपम स्वीट्स, माँ दुर्गा, ये देखे तो मन में को तो लुठार, परिवार से, रिश्तेदारों से पैसे, स्वीट्स एंड ऑल काफी यस। तो मैंने भी सेक्टर 11 में मिलेनियम के नाम से, अपनी मिलेनियम स्वीट्स एंड फास्ट फूड के नाम से एक रेस्टोरेंट बनाया। 2 साल के अंदर वो नहीं चला और बहुत घाटा हो गया, इतना घाटा हुआ कि रोज लेनदार आया करते, ब्याज पर पेले रखे थे। वो दौर सुखबीर भाई सच बताऊं ऐसा दौर टफ टाइम था, इतना टफ था कि बहुत बार मैंने ये सोचा, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जिंदगी में कई बार लगता था कि सुसाइड कर लूँ तो हार मान गए थे, पर कई बार जैसे मुझे मेरी माँ तब मुझे बहुत मोटिवेट करती, मैं फ़ोन करता रात को रोने लग जाता, दुकान पे ग्राहक कम थे, कर्जा बढ़ रहा था, लेबर के चार्जेस, रेंट चार्जेस, तो कई बार बहुत इमोशनल करता कि आप पीक से एकदम आप पीक पे थे, जब हम देखते थे पीक का दौर नहीं था, संघर्ष का था। नहीं, हम तो 2000 में आपको जानने लगे थे, 2000 में मैं बॉम्बे से आया तब से जानने लगे था, तो 3 के अंदर भी हमें तो ऐसे खुशे दिखाई देते थे, कभी चेहरे से नहीं लगे कि आप प्रेशर में भी। इंसान अंदर अपने आप लड़ता रहता है, अंतर्द्वंद करता रहता है, पर माँ बाप, आप जैसे दोस्त, मित्र, परमात्मा उसकी डेस्टिनी लिख देती है। तो माँ मुझे अक्सर कहती, मैं कहता माँ जी कर है मर जाऊँ, यूँ लगता था कर्जा नहीं उतर पाएगा, ज्यादा नहीं था 20-1 लाख था उस टाइम, 20 लाख भी 20 अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, आप और रमजान से पृष्ठभूमि से, 20 बड़ी बात, इतनी बड़ी बात लगती थी कि शायद मैं जिंदगी में नहीं कर पाऊंगा। पर माँ एक का चीज क्या करती, बेटा मेरा दूध ना ले जाए, हौसला नहीं तोड़ मत करिए, तू कर सकता है। बस फिर मन में आया एक एक, अरे उस माता को सलूट है, एक इंसिडेंट बताता हूँ, पिछले दिनों शेयर किया, इनको भी नहीं बताया बच्चों को, कि एक बार मन करा कि ना जीवन खत्म करना है, तो स्कूटर होता था, गाड़ी नहीं थी, स्कूटर लेकर के मैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की तरफ चला गया, बिना बताए स्कूटर रोक दिया, चल पड़ा कि ट्रेन आएगी, उठ जाऊँ क्या, सच
बहुत संघर्ष का दौर था, संघर्ष का दौर था। चलो आगे अब खुशी की तरफ दौड़ते हैं, खुशी की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा माहौल चेंज करते हैं। डुल साहब मुझे ये बताइए, आपको राजनीति का चस्का कैसे लगा? हम आपके अच्छे दोस्तों में से रहे कभी, आपने ये तो मुझे मालूम था भूपेंद्र हुड्डा के साथ आपका उठना बैठना है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था में एंट्री कैसे, कैसे राजनीतिक व्यवस्था में आपका एंट्री हुई? भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ है, मेरी जो वाइफ है उनके चाचा जी क्लास फेलो रहे हैं, ओके, तो उनके साथ मेरा बहुत, वो मुझे बच्चे जैसा आज भी प्रेम करते हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र पहले भी करते बहुत अच्छे, आज भी करते हैं, पहले तो करते ही रहे। तो पार्षद के चुनाव आए तो मैंने कहा जी मुझे पार्षद लड़ाओ, तो तब मैं संघ में माननीय इंद्रेश जी के सहायक के तौर पर काम करता था। अच्छा, तब तक आप संघ में आ चुके थे? हाँ, संघ में मैंने ज्वाइन कर लिया था, मतलब माननीय इंद्रेश जी के सानिध्य में आया और उनके माध्यम से मैंने 2002 में मैं इंद्रेश जी से जुड़ गया था। 2008 में जब यहाँ चुनाव थे, 7 में थे शायद पहली बार, तब मैं उनको कहा कि भाई मुझे चुनाव लड़ा दो। जब आप लोगों ने इंडिपेंडेंट कोई वो बनाया था, हाँ, मेयर बनाया था कोई, इंडिपेंडेंट बनाया था कोई एक वोट वाला, हाँ, भंडारी शायद, तरुण भंडारी बना था उस वक्त मैं। तो फिर क्या हुआ कांग्रेस की तरफ से? मुझे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और उन्होंने ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, और फिर मैंने माननीय इंद्रेश जी से सलाह की तो उन्होंने कहा कि नहीं तुझे भाजपा में ही जाना है और भाजपा तेरे लिए बहुत अच्छी पार्टी है। उस वक्त मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि नहीं भाजपा ठीक नहीं है, भाजपा जाट के लिए ठीक नहीं है, तो वैसा ही माना जाता था, ऐसा माना जाता था धार, क्योंकि पावर में नहीं आई थी ना। पर मुझे लगता था नहीं मैं कुछ और करने के लिए बना हूँ, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि प्रदेश में भाजपा की इतनी जल्दी सरकार आएगी और मुझे सिर्फ प्रदेश की राजनीति। देखो भाई, प्रदेश की राजनीति के लिए मैं आज भी अपने आप को अप्रोप्रिएट मानता हूँ। पिछले इस चुनाव में JJP ने मुझे ऑफर किया कि जुलाना से आप आ जाओ हमारे से टिकट लो, और पर चूंकि मैं भाजपा में था तो मैंने कहा नहीं अब मैं भाजपा में हूँ, भाजपा में ही रहूँगा, भाजपा में रहूँगा। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया, राज्यपाल जी। इससे पहले एक दौर किस्सा पूछ लें आपसे, क्योंकि उस दौरान के हम दोनों कॉमन से गवा रहे कई चीज़ों के, भूपेंद्र हुड्डा जी के आप भी बहुत नज़दीक थे, मैं तो बिल्कुल ही गोदी में बैठने वाला या कह लीजिए बिल्कुल, हम दोनों मिलते थे, सारे कोई थे, तो आना ले जाना सारा मिलना जुलना सब होता था। तो एक रणधीर करके भी एक होता था जिसने काफ़ी लोगों को डैमेज किया, उसने रणधीर सरोवा आपको शायद ध्यान नहीं, मुझे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो उस वक्त उनकी उस वक्त की जो भी पार्टियां होती थी, जो उनके खाने पीने का इंतजाम होता था पंचायत भवन से होता था, करेक्ट, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता था खाना। कांग्रेस के कोई भी एक व्यक्ति, चंद्रमोहन से लेकर के कोई भी व्यक्ति जिन्होंने पंचायत भवन में वहाँ कोई भी अपना पारिवारिक फंक्शन किया हो, मैं आज ये कह सकता हूँ दावे से, दावे के साथ अधिकृत तौर पर, कि उन लोगों ने मुझे एक भी नई पैनी ना मैंने उन्होंने मुझे दी ना मैंने उनसे ली, वो परमार्थ के तौर पर, पारिवारिक तौर पर, मित्रता के तौर पर, मैं आज उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ, नहीं 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 बिल्कुल दिल की बात, लेकिन उन्होंने भी कभी बड़प्पन नहीं किया, दिल से इंटरव्यू है तो दिल से दिल की बातें खोलने के लिए बैठे हैं, उन्होंने उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा भाई तेरे कितने पैसे लग गए, डॉक्टर केवी सिंह की दोनों बेटियों की शादियां, बड़ा लंबा चौड़ा दिल्ली तक 1.5 लाख लोग का खर्चा आया, चौधरी धर्मवीर की शादी, की भतीजी की शादी, जितने भी, क्योंकि उन पंचायत भवन आपको पता है प्रोमिनेंट जगह थी, तो उस वहां पर सारे कमरों में रुकना, खाना खाना, व्यवस्था भोजन की, लंच की, ब्रेकफास्ट की, हॉल की, मैरिज की, सब होती थी। तो हमने प्रयास किया कि चलो दोस्ती के नाते, प्रेम के नाते, मित्रता के नाते, जिसमें एक सवाल है वो कांग्रेस से फिर आगे बढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा बीजेपी की तरफ जाएंगे। कांग्रेस के अंदर मैं ये समझता था कि कांग्रेस में मिस्टर हुड्डा आपको एक वजीर के तौर पर देखते थे, जहाँ तक मैं जानता हूँ, चाहे वो अपने एडवाइजरी ग्रुप में सोचते थे या सोचते थे वजीर बन के लड़का बहुत काम करेगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ों की सारी चीज़ों की जो जो लॉजिस्टिक आप देखते थे ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो क्या कोई ऐसा गैप आया या कोई किसी ने फूंक मार दी या किस्मत में नहीं था, ये क्या कोई होने को मंजूर नहीं था? देखो आपको भी पता है कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने, उससे पहले तो मैं उनका सेवा कर ही रहे थे, एक पिता के नाते, बेटे की तरह थे, बेटे की तरह थे, पारिवारिक था, वो मुझे बार बार कहते रहे कि तू भाजपा मतलब ये ज्वाइन कर ले कांग्रेस, तो मैंने कहा जी मैं आपके साथ हूँ तो ज्वाइन नहीं, क्या ऑफिशियल क्या ज्वाइन, या तो चुनाव लड़ाया जाए,
तब किया जाए। तो जब हुड्डा साहब सीएम बन गए तो उसके बाद रणधीर सरोवा और अपना वो अपना ये जो आजकल मीडिया एडवाइजर थे उस वक्त के कहना सुंदरपाल पागल जिनका कभी रणधीर सुंदरपाल और प्रदीप पुनिया इन तीन चारों की उस वक्त कभी नहीं बनती थी। लेकिन मेरे वाले इशू में जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाई तू अच्छा लड़का है मैं भी इस बात को अभी इसीलिए मैंने पूछा था कि आपको ब्लू आइड बॉय था वो वजीर के तौर पे या किसी पोजीशन पे देखा था मुझे वो अपने उस पर्टिकुलर वक्त के सीएम फ्लोर में लेना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात, ये उनकी दिली इच्छा थी, ये मानते ना आप, मानते ना। मैंने इसीलिए मुद्दा उठाया, आज ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और वो इसलिए क्योंकि आप और हम जो दोनों है ना उस परिवार के सदस्य हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो शायद किस्मत का दोष लगाओ, कुछ लोगों को फियर लगाओ और उनको डर लगाओ कि भाई ये आ गया, मतलब हम तो थर्ड आई का शिकार हुए। आप सीधी सी बात है, थर्ड आई का शिकार हुए। अच्छा, फिर उसके बाद आपने सरकार से तालमेल में रहे या सरकार में तालमेल में आज मैं हूँ, आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुझे उससे नहीं, जो 10 साल करीबन 9.5 साल कांग्रेस की सरकार रही उसमें क्या नहीं व्यापार किया मैंने, व्यापार किया मैंने। मेरी जो कांग्रेस का कार्यकाल था उस कार्यकाल में मैंने आउटसोर्सिंग कंपनी बनाई, मेरी आउटसोर्सिंग कंपनी हरियाणा की प्रोमिनेंट कंपनियों में से एक रही मिलेनियम मैनपावर के नाम से, उसमें करीब 4-5 हज़ार एम्प्लॉयज रहे। अभी क्या अभी कहाँ कर रहे हैं? नहीं, मैंने छोड़ दिया। अच्छा, छोड़। फिर जैसे ही भाजपा की मेरी सरकार आई तो उस वक्त भी मेरी कंपनी में करीब 2500-2800 लोग होंगे। तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और इंद्रेश जी से कहा कि भाई मैं अब ये काम बंद कर दूंगा। इस सरकार में भी मुझे ये विश्वास था, जितना मैंने संगठन के लिए काम किया है मैंने उस वक्त भी, मैंने जब मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीब था तब भी मैं इंद्रेश जी से दूर कभी नहीं रहा। अच्छा, मैं हमेशा उनके साथ रह करके, क्योंकि संघ कभी भी किसी पर्टिकुलर राजनीतिक क्षेत्र की पार्टी का विरोध नहीं करता है। संघ एक विचारधारा के साथ चलता है, राष्ट्रवाद की भावना जिसके अंदर है वो सब उसमें शामिल हो। आज देख नहीं रहे सुनील जाखड़ जी कल आ गए, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कभी मुझे यही नहीं कहा कि तुम उस पार्टी में क्यों जा रहे हो, वहां नहीं जाना है। मनेंद्र जी को पता होता था, पर भूपेंद्र हुड्डा जी ने चाहते हुए भी आपको नहीं ले पाए, ऐसी क्या मजबूरी थी? क्योंकि मैं आज इस सवाल मेरे लिए मतलब 100% का सवाल है, क्योंकि मैं ये देखता था अगर मैं लेफ्ट की कुर्सी पर बैठ रहा हूँ तो आप राइट की कुर्सी पर बैठते थे हुड्डा साहब के साथ, ये 100% का सवाल है कि मैं क्यों नहीं ले पाए। इसके लिए तो वो गालिब का शेर है ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी गालिब, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं। आज तो देखो खुल की बातें हो रही है, सारे देश विदेश में जाना है, सारी बिरादरी के लोगों पर जाना है, तो खोल देना चाहिए दिल के, बड़े साफ सुथरा है आज। आप नहीं, मैं किसी को दोषारोपण नहीं करूंगा। प्रोफेसर वीरेंद्र हैं आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बीबी बत्रा जी हैं, भूपेंद्र हुड्डा साहब मेरे पिता तुल्य, मेरी वाइफ के चाचा जी के रियल रणवीर कादयान जी मेरे फादर इन लॉ के क्लास फेलो रहे हैं, मेरे फादर इन लॉ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे रणवीर कादयान जी, उनके जूनियर रहे हैं। मेरी वाइफ का कन्यादान किया हुआ रणवीर कादयान ने, परिवार वही है। आज मैं अलग सोच के साथ बढ़ गया, फिर जब मुझे ये लगा कि ये परिवार में भी जब एक कैलिबर वाले आदमी को जिसके अंदर जिसके अंदर विजन है, पहले से ही सारी जिम्मेवारियां दे के रखी है, भैया मैं चंडीगढ़ फलानी तारीख को पहुंचूंगा, तो तैयारी रखना, सारी तैयारी रखना, मीडिया को बताना, ये बताना, वो बताना, बट उसके बाद चलो कोई बात नहीं, वो रास्ते अलग होते चले गए। और फिर माननीय इंद्रेश जी ने मुझे कहा कि अब तुम्हें भाजपा में चले जाना चाहिए, तो 2008 में मैंने भारतीय जनता पार्टी को आडवाणी जी के चंडीगढ़ में कार्यक्रम में मैंने ज्वाइन, कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा के चीफ मिनिस्टर रहते हुए आपने बीजेपी ज्वाइन किया? यस, मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सीएम रहते हुए उनको बाय बाय टाटा कर दिया कि मेरा राजनीतिक तौर पर, मैं कभी उनका सदस्य, आज फिर लोग आपके चैनल से लोग देख रहे हैं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, फैमिली सदस्य तो थे। एग्जैक्टली सुखबीर भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ, कई बार लोग इस आपके इस इंटरव्यू को किसी और वे में ना लें कि कहीं कृष्ण ढुल पहले कभी कांग्रेस का सदस्य रहा है, मैं खंडन करता हूं। मैं जीवन में कभी भी, लोग मुझ पर इल्जाम लगाते रहे कि पहले मैं चौटाला का रहा हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पंचायत मोहन जो अड्डा था वो चौटाला का डिफरेंट का नहीं है, वो नहीं, वैसे बताता हूं कि चौटाला साहब के टाइम में भी मेरे बहुत काम हुए हैं, क्योंकि हरियाणा पंचायत भवन एक सामाजिक अड्डा था, पंचायती अड्डा था, वो राजनीतिक अड्डा नहीं था, वो भी आपको दिल से चाहते थे, उन्होंने काम किया। अभय सिंह जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मुझे हमेशा छोटे भाई जितना मान सम्मान देते हैं। आज दुष्यंत चौटाला जी हमारी सरकार में डिप्टी सीएम है, मेरे एक आह्वान पर
जब मैं चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल में चेयरमैन था, वो हमेशा आए, हमेशा उन्होंने मेरा मान सम्मान किया, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, तो अब बीजेपी आपने ऑफिशियली ज्वाइन करी 2008 में आडवाणी जी के सामने। आडवाणी जी ने मेरी उस वक्त की हेडिंग है, आडवाणी जी ने मुझे गले लगाते हुए कहा कि, और उस वक्त की हेडिंग छपी थी, मुझे आज भी याद होगा, जब वो बहुत बड़ी हेडिंग चली थी कि आडवाणी जी ने कहा कि ढुल में ढुल का भाजपा में स्वागत है, मंच से बोला उन्होंने। तो मैं नहीं बोल सकता आडवाणी जी को कि जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी अपने हाथों से ज्वाइन कराई सेक्टर 17 चंडीगढ़ में, वो बहुत बड़ा कार्यक्रम था, सतपाल जैन जी की अगुवाई में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। तब से लेकर के 2008 तब मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा, दो बार मैं पार्षद का चुनाव लड़ा, एक बार मैं 32 वोट से हारा और एक बार मैं 500 वोट से हारा। लेकिन उसके बाद चलो, हार जीत तो एक साइकिल है पॉलिटिक्स में, ये तो साइकिल है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मतलब फिर मैंने इस बार मैं 2016 में मैंने अपने संगठन को बार बार कहा कि मुझे 2019 में चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर दीपेंद्र हुड्डा के समकक्ष लड़ाओ, मैं 100% जीत कर निकलूंगा मैं पार्लियामेंट। तो मेरी पार्टी शायद अभी वहाँ जाट वर्सेस नॉन जाट के इशू पे थी, बट मैंने बराला जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत कन्विंस करने, मैंने 2016 के दंगों के बाद जो जाट आरक्षण दंगे भाई, मैं उसी दिन कहने लग गया था, क्योंकि मैं भी वही का हूँ, उसी का वही पढ़े लिखे हैं, वही कहीं से सांगी खडवाली भगवतीपुर एक ही सीम में, एक ही है, एक ही रूट पे हम, हाँ आप सीम का सीम लगती है, बिल्कुल बिल्कुल, संग खडवाली वाली गौशाला में तो आज भी मारा है, सारा सब दान और पर्चियां कटती है, पर्चियां कटती हैं। तो उस नाते मैं कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर जिस पृष्ठभूमि की लड़ाई हमने यहाँ आकर के लड़ी, और जो जाट आरक्षण में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र का रवैया रहा कि जब वो जंतर मंतर पर बैठे, मैं आज भी कहता हूँ कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सांपला चले जाते, वो जो आरक्षण वाले लोग बैठे हुए थे उनको ये कहते कि तुम उठ के चले जाओ, आज उस इलाके में आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इतना सम्मान है कि लोग उनकी बात मोड़ेंगे। वो ये कहते तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा, मैं दिल्ली जाकर के लड़ूंगा, तुम अपने घर जाओ, दंगे फसाद मत करो। उन्होंने आग में घी डालने का काम किया, आग में घी डाला, गोलियां चली, कैप्टन अभिमन्यु की कोठी चली, लोग मारे गए। वो तो आपने डिबेट के अंदर मैंने देखा, आपने डिबेट में लोग 32 जवान अपने परिवारों के मरे हैं, आपका भाई, मेरा भाई, किसी का बेटा, किसी का, आज कितने बच्चे जो हैं वो जेलों में हैं, वो सब उस आरक्षण की बदौलत, और उस पर राजनीति हुई, हो सकता है थोड़ी बहुत हमारी तरफ से भी, मैं किसी की तरफ से स्वीकार करता हूँ, असली जो उसके अंदर गुनाहगार है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन असली जो शुरुआत थी, क्योंकि वो 10 साल वहां मुख्यमंत्री थे। अच्छा, अभी इस बात से आगे बढ़ते हैं कृष्ण साहब, मुझे ये बताओ, जब इन्होंने जाट नॉन जाट का डिसीजन ले लिया, मेंबर पार्लियामेंट नहीं दिया, तो क्या फिर हमें एमएलए के लिए नहीं उतार सकते थे, मतलब पंचकुला से, कालका से? क्योंकि मैं उस चेयरमैन था, अमित शाह जी ने पूछा था कि क्या उसने रिजाइन दे दिया है, तो तब ये कहा कि नहीं, रिजाइन नहीं दिया गया, तो मैं रिजाइन दे भी देता, परंतु मुझे कहा गया कि नहीं, अच्छा काम कर रहे हो आप, यहाँ काम करो, इस चुनाव में मुझे लगता है कि मेरी पार्टी, मुझे पूरा मुझे भरोसा है कि वो चुनाव लड़ाएंगे, और मैंने कहा भी, मैं आज भी अपनी पार्टी को कहता हूँ कि मुझे दीपेंद्र हुड्डा, अलका आप कौन सा पसंद करते हैं? मेरा पैतृक अलका तो महम है, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं रोहतक लोकसभा का कैंडिडेट हूँ, और किलोई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के माइनस पंचकुला में पिछले 30 साल से सेटल हो रखे हैं, पंचकुला कालका से क्यों नहीं, क्योंकि पंचकुला अभी तक किसी का नहीं है, अगर आप देखेंगे आपके जो स्पीकर साहब हैं वो भी चंडीगढ़ से ही हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं यहाँ अभी, नहीं उनको एडजस्ट करा गया। मैंने कहा कि क्या होता है कि कई बार आदमी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है, जो जड़ उनका भी लास्ट इलेक्शन है, वो बुजुर्ग हो गए, रिटायर हो गए, वो पार्टी और संगठन को देखना है, पार्टी मुझे कालका भी लड़ा सकती है, पंचकुला भी लड़ा सकती है, पर आपकी चॉइस पे तो होना चाहिए ना, मतलब आप नंबर 1, 2, 3 पे तो डालिए ना। नो डाउट, मैंने ये कहा कि संगठन तय करता है, विचार मैंने दिया हुआ है विचार, पर कई बार पार्टी फोकस कर लेती है कि यहाँ जाटों की संख्या कम है, वैसे अच्छा वो कैलकुलेशन आपकी जो पैरेडेमिक, ये पॉसिबल भी है, क्योंकि जब जिस दिन पार्टी रोहतक और सोनीपत में जाट के अगेंस्ट ब्राह्मण लड़ा सकती है, जाट वर्सेस नॉन जाट की बात करते हुए या अदर कास्ट की बात करते हुए, तो मैं भी यहाँ फैक्टर हो सकता हूँ, जाट वर्सेस नॉन जाट में ही मैं यहाँ कैंडिडेट कभी भी बन सकता हूँ। हमारी पार्टी में ये चीज़ें मिथक सी बहुत ज़्यादा सी, हम तोड़ने वाले हैं,
कृष्ण जी मुझे ये बताएं, बीजेपी जब आपने ज्वाइन करी, आडवाणी साहब ने ज्वाइन करी, उसके बाद आपकी सरकार आ जाती है हरियाणा में, तो उसके बाद सुभाष बराला जी प्रेसिडेंट थे, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, तो आपको चेयरमैन के लिए सबसे पहले उन्होंने, सबसे पहले जो होते ना डायमंड्स चमकने वाले, हाँ अरे इनमें से लाइट है, क्योंकि आपका टैलेंट हर कोई जानता था, फटाफट उन्होंने कैच किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए कैसे आपको उन्होंने कैच करके ये बाल कल्याण डिपार्टमेंट दिया। नहीं पहले मुझे ये था कि मैं ओएसडी लगूं, मुझे ये विश्वास था कि मुझे सर पार्टी और संगठन ओएसडी के तौर पर लगाएंगे, परंतु वो संभव नहीं हो पाया, पहली टीम में मैं नहीं बन पाया था, पहली टीम में कुछ लोग, दूसरा जब वो कुछ चीज़ें चेंजेज हुई, जब जवाहर जी हटे और अमित आर्या जी को चंडीगढ़ से हटाया, दिल्ली लगाया, तब मुझे ये तय कर दिया था संगठन ने कि आपको ओएसडी टू मीडिया लगा रहे सीएम, तो मैंने कहा जी चलो ठीक है। उसी दो हफ्ते चार दिन के बाद वो जाट आरक्षण में गोलियां चल गई और वो फिर डिले हो गया, और मेरे मन में, और उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि मैं अब अपनी चेयरमैनी की बात कैसे करूं, जहां पर देश आंखों से आंसू आ रहे थे, मैं लगातार टीवी पे बैठा, मेरे भाई फोड़ी का शिकार हो गए, मारे गए, माताएं रो रही हैं, विलाप हो रहा है, तो मुझे लगा कि ये समय नहीं है अपनी चेयरमैनी मांगने का, तो वो दौर चला गया। उस दौर के बाद एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया और मुझे एक और चेयरमैनी की ऑफर की, ये चेयरमैनी तो नहीं कह सकते, एचपीसी का मेंबर। अच्छा मेंबर एचपीसी का, तो मैंने, मेरे को वो सूट नहीं किया, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षमा याचना की कि मैं, मुझे लगता है मैं इसका स्टफ नहीं हूँ। अपनी ईमानदारी पे कायम रहे आप, देखो मैं राजनीतिक करोड़ों और वो बनाने तो वो तो एचपीसी ही जाता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि भाजी मैं टीवी पर डिबेट पर बैठता हूँ, मैं आपका प्रवक्ता हूँ, मैं आपकी आवाज़ हूँ पार्टी की, आप मुझे उपेंद्र सिंह हुड्डा के अगेंस्ट, अभय सिंह चौटाला के अगेंस्ट, ओम प्रकाश चौटाला के अगेंस्ट, पार्टी मुझे एज ए वेपन इस्तेमाल करे, जो कि मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसी कम्युनिटी का हूँ, मैं उनके अंदर की बात जानता हूँ, मैं बंद गले का कोट लगा करके पीएचडी वालों के इंटरव्यू कैसे लूँगा जिसकी खुद की क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है। तो मुझे ये लगा कि मैंने हाथ जोड़ करके कहा कि शायद मैं इस पद के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। इसका वाक्य में बहुत अच्छा डिसीजन, और हो सकता है कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री जी नाराज हुए, बोले पता है कितनी सिफारिशें हैं। मैंने कहा भाऊजी फिर मुझे रहने दो, आप जिनकी सिफारिशें उनको लगा दो, दोनों काम हो जाएंगे, आपने मुझ पर तो एहसान ही कर ही दिया बुला करके। बट ये मान माननीय मुख्यमंत्री जी का और राज्यपाल जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने फिर मुझे बुलाया 8 महीने बाद, फिर एक अवसर दिया कि अब मना मत करना, तेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तुझे हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, मैंने नाम भी नहीं सुना था। अच्छा नाम हमने भी नहीं सुना था, वो नाम भी आपकी ओथ हुई जब उस दिन आए थे, तो उस दिन पता लग गया, उस दिन आपको ओथ वाले दिन आपको ऑफिस शेयर किया, उस दिन आए थे, हाँ तो पता लग गया, तो मैंने नाम भी नहीं सुना था उसका। मैंने कहा ये क्या होती है। अच्छा जब मुझे कहा माननीय मुख्यमंत्री जी का, मुझे फोन आया जब मैं गुरुग्राम था, उन्होंने कहाँ हो आप, मैंने कहा जी मैं गुरुग्राम हूँ, तो बोले गुरुग्राम भारत घूमते हो, तो मैंने भी मजाक में कह दिया उनको कि मैंने कहा आप भी तो हर हफ्ते आते हो जी, मैं भी आ जाता हूँ, तो बोले जल्दी से लौटो। मुझे लगा क्योंकि डिबेट होगी, कोई विषय होगा, क्योंकि अक्सर वो मुझे बुलाते थे, आज भी बुलाते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर लिया। देखो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी पे जितनी उन्होंने मेरे साथ चर्चा की, क्योंकि मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर रहा हूँ कांग्रेस सरकार में, उन्होंने मुझे 3 बार बुला करके कहा कि पूरे प्रदेश की आप इस व्यवस्था को संभाल, पर मैंने कहा मैं व्यापार करने के उद्देश्य से और कॉन्ट्रैक्ट के उद्देश्य से नहीं, ये कौशल रोजगार करने का बात आ रहा है, ये क्या है कौशल रोजगार, इसके लिए मैं बताऊंगा आपको, ये इसके लिए भी मैंने उनको सजेस्ट किया था। अच्छा अच्छा कोशिश आपकी क्रिएशन है माइंड की, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टरशिप में सैलरी लेने बहुत होती है। यस मैं कॉन्ट्रैक्टरशिप में रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जो सैचुरेटेड लाइबिलिटीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर जिस आदमी को लगाता है उसका ईपीएफ, ईएसआई, लेबर लाइसेंस, सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज, ये 4-5 कंपोनेंट मिलाकर के कॉन्ट्रैक्टर को एक सरकार का डिपार्टमेंट पे करता है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर को जो बचता है वो उसका सर्विस चार्ज होता है। बाकी सैचुरेटेड लाइबिलिटीज में आप देखो कि 25% तो पीएफ होता है, 12% एम्प्लॉय का काटता है, 12% सरकार देगी, यानी कि एक अगर 10,000 है तो 2500 रुपए, तो उसको थोड़ा डिले कर दो तो 1-2 महीने से देते ही नहीं थे। अच्छा देना ही नहीं है क्या, मैं सोचा अगर डिले कर सकते हैं, डिले छोड़िए आप, 25% वो 6.5% 6.75% ईपीएफ ईएसआई का, 4.75% कंपोनेंट सरकार का और 1.75% एम्प्लॉय का, तो 7% ये 25 और 7 32, ये तो बहुत बड़ा। और सुनो 32 और 12.5% हो गया सर्विस चार्ज ना सर्विस टैक्स, तो आप देखो 32 और 12.5 45, यानी कि लगभग 50, बिल्कुल एक आदमी पे 5,000 रुपए एक बार कॉन्ट्रैक्टर कमा रहा है, दो नंबर में, अगर मेरे पास 500 एम्प्लॉई है
और देखो वो सामने की चोरी है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते। अब नई चीज शुरू कर दी तो ये, फिर उसके बाद आप आपने कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी सीएम साहब से डिस्कस करके ये कौशल विकास कौन है, मतलब अब ये मेरे से भी पूछ रहे थे अभी। हाँ। अभी की देन हुई है, क्या हुआ पीछे पीछे, अनिल विज तो शुरू से इसके खिलाफ थे क्योंकि लोकल बॉडी उनके पास है। हाँ। और सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट है वो बिजली डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग बोर्ड में और इसमें है जो अर्बन लोकल बॉडीज, क्योंकि स्वीपर कमेटियों के अंदर है सबसे ज्यादा स्वीपर है। तो मैंने अब क्या किया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर बदल नहीं रहे तो थ्रेट करते हैं फोर्थ क्लास एम्प्लॉय को, एक एक लाख रुपए लेने लगे सुखबीर भाई। जिस आदमी को 20,000 रुपए मिलते हैं उससे, उस फोर्थ क्लास एम्प्लॉय से मैं 1,00,000 रुपए ले रहा हूँ। किस बात के? नौकरी लाने के। इतना बुरी हालत, तो इसलिए इस कौशल रोजगार का लाया गया कि भाई कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय का खून ना चूसे। तो इसका कौशल रोजगार का क्या, निगम का क्या रोल है? एक निगम बनाया, सरकार की बॉडी बना दी, एंटिटी बना दी कि अब जितने एम्प्लॉयज हैं वो अपने आप को एनरोल करेंगे कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत, और कौशल रोजगार निगम जो है वो डिपार्टमेंट को उनको जारी कराया करेगा, भेजेगा। अब 1,000 तो न्यू मान के चलो, एक ही ठेकेदार हो गया पूरे हरियाणा का, सारे एम्प्लॉयज निगम हो गया और वो निगम बन गया। तो अब वो डीसी रेट खत्म, डीसी रेट खत्म, खत्म सब खत्म, और जो सिफारिशें होती थी जैसे खत्म। मान लो मैंने अपने आपको लगवाना, मैंने किसी ढुल साहब को फोन कराया कि भैया एचओडी और कॉन्ट्रैक्टर मिलकर जो कर लिया करते हैं, मान लो आपने मेरी पंचायत में उनका ठेका दे दिया कि भाई 40 आदमी अन काट दे, 40 नहीं ला ले, नहीं लगा ले, हां मेरे ला दे। यस यस। अब वो सिस्टम बंद, अब कॉन्ट्रैक्टर बीच में से निकल गया। इसके लिए मैं माननीय मनोहर लाल जी को इतना साधुवाद देता हूं कि इसके लिए भले ही देर लगी हो लेकिन ये बहुत अच्छा काम किया, लाखों बच्चे जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनकी उनको दुआएं लगने वाली, और उनकी दुआओं के कारण इस प्रदेश में तीसरी बार फिर भाजपा की सरकार। किशन ढुल साहब मुझे ये बताओ कि जैसे जैसे आपको ये निगम के बारे में नहीं था, बाल कल्याण जो निगम था बच्चों वाला जो वो था, आपको इसका नॉलेज नहीं था, आपने कैसे इसको गेन किया? जैसे हम उस दिन चेयर आपकी आए थे तो उस दिन भी मुझे आप बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे कि भाई नहीं नहीं ढुल साहब ढालेंगे, मतलब अपनी वाली लैंग्वेज में ढालेंगे, बट आपने इतना उम्दा काम किया, हर गवर्नर ने, हर चीफ मिनिस्टर ने आपको आउटस्टैंडिंग मार्क्स दिए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद में मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ लगा दिया। मैंने पूछा राजेश खुल्लर जी, उनका भी नाम मैं बहुत इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ लेना चाहूँगा, वो हमेशा मुझे एक बड़े भाई की तरह, पिता की तरह मुझे ट्रीट करते रहे और सलाह देते रहे। उन्होंने मुझे साफ सी शब्दों में कहा कि काफ़ी भागता है तू, थोड़ा रनिंग का भी शौक सा है मुझे, एक्सरसाइज का। मैंने कहा जी अब बला भाग पूरे हरियाणा के बच्चों के लिए, तूने अपने बच्चे तो लाइन पर चढ़ा दिए, ये भाग। तो मुझे पता है कि बाल भवन है, अनाथ बच्चों की संस्था है, डेस्टिट्यूट नेग्लेक्टेड चाइल्ड्स, लेबर ना हो, इस प्रकार की चीज़ों के, ग्रामीण बच्चों के लिए सिलाई कढ़ाई के सेंटर, उन बच्चियों को स्वावलंबी बनाने की बात, उनको कंप्यूटर सिखाने के डिप्लोमे, सबको करने के लिए। और क्या क्या कोर्सेज होते हैं, क्या क्या कोर्सेज होते हैं, सो दैट दर्शकों को? हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद में 30-32 तरह के कोर्सेज होते हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर के कोर्सेज, ब्यूटिफिकेशन के स्मॉल कोर्सेज होते हैं, बच्चों की कोचिंग क्लासेज हैं, करनाल में, रोहतक में, 3 जगह हम कोचिंग क्लासेज कराते हैं HCS PO के, इस प्रकार के बच्चों के। फिर स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं, मेंटली टारगेटेड बच्चे, उनके लिए नशा मुक्ति केंद्र, आंगनबाड़ी वर्कर ट्रेनिंग सेंटर, ब्रेवरी अवार्ड, मतलब कितनी सारी चीजें, अगर आप देखो बहुत बड़ा समुद्र है, मतलब काम करने की इतनी अथाह जगह थी जिसकी कोई। और फिर वो हो पाया सभी को। मैंने जब ज्वाइन किया 17 महीनों की तनख्वाह नहीं मिली थी एम्प्लॉयज को, जिसके पास जाऊं वही तनख्वाह मांगे। 8 करोड़ बजट था, जब मैंने छोड़ा 25 करोड़ बजट करवाया। अरे भाई, इसके लिए बधाई। 3 गुना बजट अगर किसी संस्था का हरियाणा बनने के बाद बढ़ा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अकेली संस्था है जिसका 3 गुना बजट बढ़ा है। CSR में 30 करोड़ रुपए अपने माशे दी हट्टी वाले धर्मपाल गुलाटी जी, माशे जी नहीं है, मैं नमन करता हूँ उनको, उन्होंने मेरे हर प्रोग्राम में आकर के पैसे दिए। आपके गुड़गांव के प्रोग्राम में आए थे, बहुत बड़े 1 करोड़ रुपया मेरी संस्था को दिया, 1 करोड़। मतलब इतने रिमार्केबल काम हुए मेरी सरकार में। मैंने 5-6 बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए गिनीज बुक ऑफ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए और गिनीज बुक के लिए। हमने पिछले दौरान कोविड के दरमियान जो मेरे लास्ट कार्यकाल था, 5 लाख बच्चों ने ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया, हरियाणा के लिए बहुत इतिहास की बात है, बहुत गर्व की बात है। गुरुग्राम किंगडम ऑफ ड्रीम, यस, बच्चे के लिए किंगडम ऑफ ड्रीम हरियाणा के लिए बहुत मुश्किल चीज़ है और किंगडम ऑफ ड्रीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी चीज़ है।
मैंने गांव मैंने मनोहर जी को कहा कि ग्रामीण बच्चों को शायद जिंदगी में कभी किंगडम ऑफ ड्रीम देखने को ना मिले, बाबूजी मुझे एक अवसर दो कि मैं उस स्टेज पर हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस करवाना चाहता हूं जहां शाहरुख खान माधुरी दीक्षित प्रियंका चोपड़ा ने बड़े बड़े स्टार करते हैं, और मैं वो चीज दिखाना चाहता हूं जहां एक बच्चे के 2,500 रुपए अंदर जाने के लगते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति देखिया, उन्होंने मुझे अलाउ किया, ना सिर्फ अलाउ किया, 5 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद को दिया, और 3.5 लाख बच्चों ने 5 दिन में हरियाणा में आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट, हमने ये प्रयास किया कि गांव का आने वाला बच्चा, कोई भी बच्चा, बिना गिफ्ट के, बिना प्रेज के, बिना खुशी लिए ना जाए, उनको भोजन खाना, उनके गिफ्ट, उनके लिए फ्रूट्स, सब चीज़ों का, जादूगर का तमाशा, उनके लिए जो बच्चों को आकर्षित एंटरटेनमेंट झूले फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई किसी से कोई पैसा नहीं लिया, पूरा हरियाणा सरकार ने वहन किया। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद आज उन ऊंचाइयों पर है कि मैं जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन कहा था मैंने ये बात, मैंने पहली मीटिंग उसी हरियाणा पंचायत भवन में ली। अच्छा सुमीर भाई मैं उसी में पुराने वहाँ के स्टाफ को बताया, क्योंकि उनके आगे मैं वहाँ कैंटीन का कॉन्ट्रेक्टर रहा हूँ, वो लोग वहीं थे, उनको मैंने कहा कि मैं चेयरमैन बन गया भाई हरियाणा पंचायत भवन के, सभी लोगों ने मेरा स्वागत किया, मैं उसी रूम में बैठा जहाँ मैंने वहाँ चाय सर्विस की थी लगातार 7-8 साल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम को, आपका रूम भी होता था, साथ में रूम भी होता था, मैं वहाँ बैठ करके और मैंने मीटिंग ली, तब मैंने उनको कहा था कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद भाई जिसमें मैं लगा हूँ, मैं आप विश्वास रखो जिस दिन छोड़ के जाऊँगा उस दिन यहाँ लगने के लिए लोग ललचाते होंगे, और आज मुझे फख्र है, अभी बहन रंजीता मेहता पंचकूला की रहने वाली है, उनको मेरी जगह लगाया। अच्छा पंचकूला से लगा दिया, पंचकूला से रंजीता मेहता को, मेरे बाद तो कोई और लगे थे परवीन अत्री, उनको 1 साल के बाद हटा दिया। अच्छा अब उनकी जगह रंजीता मेहता लगी, मुझे फक्र है, लोग कहते हैं कि ये रंजीता मेहता कहाँ लगी, तो बाल कल्याण नहीं बोलते लोग, वो बोलते हैं कि कृष्ण ये, हम भी यही कहेंगे क्योंकि मैं भी वही है, मुझे फक्र इस बात का है कि ये सब संभव इसलिए हो पाया। अक्सर देखते थे आप गवर्नर के पास हर हफ्ते 2-2 बार जाते थे, ऐसा क्या था गवर्नर साहब के पास? इस संस्था के 2 ही बॉस है, इसमें ये एक ऐसी स्वायत्त संस्था है जिसमें कोई ACS नहीं है, कोई डायरेक्टर भी नहीं है, डायरेक्टर भी नहीं है, कोई नहीं है, सबको ऑल इन ऑल चेयरमैन, ऑल इन ऑल जो है वो चेयरमैन नहीं बोलते, उसको मानद महासचिव बोलते हैं, ऑनररी जनरल सेक्रेटरी। इसके 2 बॉस हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रेसिडेंट गवर्नर साहब, तो उस नाते मेरी दोनों के साथ बहुत अच्छी पिता तुल्य थे मेरे दोनों, चाहे वो कप्तान सिंह सोलंकी जी हों और चाहे मनोहर जी, कप्तान जी के साथ तो आप अक्सर बहुत, उन्होंने मुझे इनकरेज किया और मनोहर जी ने भी, जिस स्टेप पर मैंने उनसे जो मांगा ये संभव इसीलिए हो पाया। और इसके बीच में एक और नाम है जो शायद मैं जिंदगी के हर मोड़ पर हर मुकाम पर लूंगा, जिसकी वजह से यह संभव हुआ, उसमें सबसे बड़ी अगर कोई कड़ी है तो वो श्री राजेश खुल्लर जी हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम होते थे, उन्होंने मेरी किसी भी बात को कभी भी नहीं मोड़ा, मैंने जो चीज कही, अधिकारी तो और भी कोई नहीं मोड़ते, देखिए डोल साहब, देखिए आप ये पक्षपात वाली बात ठीक है, आप उनकी तारीफ करिए, लेकिन और अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, क्योंकि मैं भी अक्सर समस्याएं लेके आता रहता हूँ, आपने फोन कराया उन्होंने करिए, ये तो मान के चलिए कि उन्होंने सकता है, उनके साथ एक रिश्ता था, जब मैं जिमखाना क्लब रोहतक में, तब जब जिमखाना क्लब रोहतक हुड्डा का कॉन्ट्रैक्टर था उस वक्त, वो डीसी थे, डीसी रोहतक थे, तो वो रिश्ता 1999 में शुरू हुआ था, ना मुझे ये पता, मेरी शादी थी 1999, तो वो आनंद का नाम हुआ था, मुझे याद है सुबीर भाई, ना तो मुझे ये पता था कि 1999 में जो डीसी लगा हुआ है, जो डीसी हमारे लिए बहुत बड़ी तोप होती थी, वो PACM क्या होता, तब तो मुझे सपने में भी नहीं पता था, मैं तो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर था जिमखाना क्लब का और वो डीसी थे, तब क्यों मानदे क्या मिलता था, इसमें आपको मानदे क्या मिलता, मानदे इसमें मिलते थे 50,000 रुपये और हाउस के 50,000 अलग से, जो मैंने नहीं लिए क्योंकि मकान मेरे पास खुद का था, गाड़ी घोड़ा ऑफिस बाकी सेचुरेटेड जो सारी चीजें हैं, और पूरा हरियाणा को जो 21-22 डिस्ट्रिक्ट है पूरे हरियाणा को ट्रेवल करना पड़ता था, पूरे हरियाणा में हर जिले में पहली ऐसी संस्था है, हर जिले में ऑफिस है, हर जिले में जिला बाल कल्याण अधिकारी है, हर जिले का DC वो इस संस्था का प्रेसिडेंट है, जैसे स्टेट के गवर्नर है, डिस्ट्रिक्ट की अलग बॉडी है, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग बॉडी होती है बाल कल्याण परिषद की, जिसका जनरल सेक्रेटरी तो जिले का बाल कल्याण अधिकारी होता है और प्रेसिडेंट जिले का DC होता है, कोई भी DC आएगा वो उस जिले का प्रेसिडेंट होगा, कोई भी गवर्नर बनेगा वो इस संस्था का ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बनेगा, और जो भी मुख्यमंत्री होगा वो इसका वाइस प्रेसिडेंट होगा, एक्स ऑफिशियो ये इस प्रकार का एक पद्धति है, ये किस प्रकार की सिस्टम बना रखे, ये सिस्टम, तो ये एक इतनी बड़ी संस्था थी जिसमें मुझे काम करके, और मैंने ये सोचा था कि ये अनाथ बच्चों की संस्था है, इसमें ना मैं अपना लाभ लूंगा
और ना मैं किसी को लेने दूंगा, मैंने कभी वो तो मैं आपको शुरू से जानता हूँ, इवन मैंने एक बार बच्चों से, एक कार्यक्रम था मेरा रोहतक में, मैं आज आपके सामने बता रहा हूँ, मैंने अपने घर से 20 लाख रुपए संस्था में लगाए, बाद में संस्था मुझे वापस दे रही थी मेरी कमेटी जो 12-15 लोगों की थी, क्योंकि उस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस थे, बाद में जब हमारे पास डोनेशन आया तो मुझे वो वापस दे रहे थे, फिर मैंने कहा नहीं हमने छोड़ दिया, तो छोड़ दिया, इन बच्चों के लिए था। क्या सलूट है, सलूट है आपकी और चीज़ों को, मुझे आपके आपके डेडिकेशंस को, बच्चों को, भाभी को, माता जी को, ताऊ जी को। दोस्तों आज की कड़ी में हम पार्ट वन में आज कैसे डोल जी के साथ रूबरू हुए हैं, ये रूबरू पार्ट वन है। और जल्दी से कुछ अनछुए पहलू, देखिए ये तो बहुत सारी राजनीतिक और तमाम इनकी बचपन की बातें वो सारी बातें हुई, अब बात करेंगे इनसे इनके अनछुए पहलू के बारे में, जो आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता है, वो इनसे हम कुरेदेंगे और ये खुले दिल से जैसे जवाब दे रहे हैं ऐसे देंगे। तो अगले महीने में के सेकेंड या थर्ड वीक में सेकेंड एपिसोड या पार्ट टू के साथ जल्दी से मुलाकात करते हैं, और किशन डल जी ने जो समय दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सुखबीर भाई आपके साथ मेरा करीब 20 साल पुराना रिश्ता है, इसलिए आपने मुझे उस कॉन्ट्रैक्टर से चाय बनाने वाले से चेयरमैन तक का सफर आपने देखा और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी पार्टी और मेरा संगठन जिस प्रकार से मेरा साथ दे रहा है, तो भविष्य में भी आप मुझे बहुत अच्छी जगह पर देखेंगे। और मैं मन से ये प्रार्थना करूँगा कि मैं जब भी मुझे कोई अवसर मिले तो मैं अपने तन मन धन से उसी प्रकार उस संस्था और उस संगठन की मदद करूं जिसने मुझे यहाँ का बनाया। कृष्ण जी जाते जाते एक सवाल, आप MLA का इलेक्शन या मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन नॉर्थ हरियाणा से लड़ेंगे या जाके वहीं अपने रोहतक और उस बेल्ट पर जाकर लड़ेंगे, आपने अपनी बैटल भूमि कौन सी बना रखी? देखो ये क्योंकि पार्ट टू में उसी के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल आएंगे, तो उस कर्म भूमि को आपने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी है कि भाई पंचकुला कालका या ये वाली बेल्ट के अंदर राजनीति करेंगे या फिर वहाँ जाके जुलाना महम उधर जाके करेंगे। आपको ध्यान होगा जब मैंने 2008 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी तब हमारे सिर्फ दो MLA थे, तो हरियाणा में तो भाजपा की कहीं लहर ही नहीं थी, तब मैंने भाजपा ज्वाइन करी। मैं उस वक्त ये कहता था, तब विजय गोयल जी हमारे प्रभारी थे, तो मैंने जब पंचकुला से टिकट मांगी तो उन्होंने कह दिया कि जाट का और शहर का ना कम्बिनेशन सा नहीं बनता। मुझे बड़ी बात चुभी, मैंने कहा जी एक काम करो, हिंदुस्तान में कहीं से भी कमल का निशान दे दो, चाहे नक्सलाइट एरिया में, उन दिनों तो मणिपुर उधर में तो लड़ते नहीं थे, लोग मर्डर कर देते थे, मैंने कहा जी मुझे वहीं से लड़ा दो। और मैं इसलिए ये बात इसलिए यहाँ जोड़ रहा हूँ कि राष्ट्रीय पार्टी में पर्टिकुलरली किसी भी नेता के लिए कोई एक क्षेत्र नहीं होता, उनको हम लोग पर आइडिया तो आपने दिया होगा, आपने देखो अपना माइंड दे दिया। नो डाउट मैं रोहतक का हूं, तो मैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अगेंस्ट ही लड़ना चाहता हूं। मेरे इसका मतलब नहीं पुराने स्कोर सेटल करना चाह रहे हैं आप, इसी हाल से तो ये निकलता है। आज मेरे दोस्तों इसी नोट के ऊपर आज हम यहीं पे खत्म करते हैं किशन ढोल जी के साथ। अगले महीने सेकेंड वीक के अंदर इनका रूबरू पार्ट टू आएगा, तब इनकी पूछेंगे कि राजनीतिक लड़ाई किन किन से है, बहुत अनछुए पहलू के साथ इनकी देश विदेश की यात्राओं के बारे में और बहुत सारे इन्होंने जो सोशल काम किए हैं उनके बारे में बात करेंगे। नमस्कार आज के लिए, थैंक यू सो मच। नमस्कार शुक्रिया।